Hello guys, you all are welcome to our channel SaNuJ Snake. I am Shreshth. Today we will discuss about the cobra snake. So let's start the video. तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन चारों कोबरास के बारे में। हमारे लिस्ट में पहला कोबरा है स्पेक्टेकल्ड कोबरा, जिसे हम भारतीय नाग भी कहते हैं। इसके पीछे लगे हुए यू शेप की वजह से इसे बाइनोक्लेट कोबरा भी कहते हैं। स्पेक्टेकल्ड कोबरा किसी अन्य सांपों की तरह ज्यादा आक्रामक नहीं होते, फिर भी इसके काटने के बाद ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि भारत में लगभग सभी जगह में पाए जाते हैं। ये दूसरे जहरीले सांप, चूहे, पक्षी या उनके अंडे भी खाते हैं। ज्यादातर इन्हें इंसानी बस्ती के पास देखा जाता है। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में जो दूसरा कोबरा है वो है मोनोक्लेट कोबरा यानी चंद्रनाग। इसे चंद्रनाग कहते हैं क्योंकि इनके हुड यानी इनके फन के पीछे एक गोल यानी सर्कुलर चंद्र बना होता है। ये दिखने में ब्राउन, ग्रे, ब्लैक कलर के होते हैं। ये ज़्यादातर अपने हुड मार्क के वजह से जाने जाते हैं। इनके हुड पर बने मार्क ओ टाइप का होता है, जो कभी कभी ब्राउन, ब्लैकिश और वाइट कलर का होता है। ये 4 से 4.5 फीट के होते हैं। हमारे लिस्ट में अगला कोबरा है कैप्सियन कोबरा। इसे सेंट्रल एशियन कोबरा और रशियन कोबरा भी कहते हैं। ये ज़्यादातर सेंट्रल एशिया और इंडिया के अंदर हिमाचल और कश्मीर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो गाइस, दिस वाज अबाउट द कोबरा स्नेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग फैक्ट वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक केयर।